हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सोर्स फिल्म्स। शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस विषय पे बात करने वाला हूँ। निकिता तोमर, उम्र 21 साल। दोस्तों, अजीब बात है ना, हमारे देश में किसी को मारना, किसी का रेप करना, किसी के घर पे चोरी करना, इट्स वेरी कॉमन। ये हमारे लिए एक जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये हो क्यों रहा है। खैर, मैं उस बच्चे के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। निकिता तोमर, हरियाणा, बल्लभगढ़, उम्र 21 साल। वो बेचारी अपने कॉलेज से लौट रही थी एग्जाम देके। उस वक्त 4:30 बज रहे थे। दो लड़के कार से उतरते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उसे जबरदस्ती अपने कार में बिठाने की कोशिश करते हैं। वो मना करती है। उस लड़की के साथ उसकी दोस्त भी है, वो भी उसे बचाने की कोशिश करती है। एक लड़का आगे बैठता है और वो जबरदस्ती फिर से उसको कार के अंदर लेने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये मात्र 30 सेकेंड का टाइम था, मात्र 30 सेकेंड। उस 30 सेकेंड में वो लड़का रिवॉल्वर निकालता है और उस लड़की के कनपट्टी पे गोली मार देता है और लड़की जगह पे मर जाती है। वो लड़का भाग जाता है वहां से। और दोस्तों, मुझे बड़ी दुख हो रही है इस वक्त ये कहते हुए कि उस वक्त वहां पे काफी सारे लोग आ जा रहे थे, वहां पे सब लोग देख रहे थे, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि पुलिस वालों को फोन करें, किसी ने यह नहीं सोचा उसको बचाने जाएं। मैं समझ सकता हूं, वो सर फिरा, हाथ में बंदूक लेके घूम रहा था, तौसीफ, मिस्टर तौसीफ। अजीब बात है, उसके घर वाले कहते हैं कि यह घटना इससे पहले भी हो चुकी है उसके साथ। मेरा कहने का मतलब यह है, उसके साथ 2018 में उस लड़के ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, यानी कि उसे डेफिनेटली, वो साथ में पढ़ते थे, कॉलेज से घर आते वक्त उस लड़के ने नितिका को ड्रॉप देने के बहाने कार पे बिठाया। उसकी सहेली भी उसके साथ थी, उसकी सहेली को उनके घर के आसपास कहीं ड्रॉप कर दिया। उसके बाद तौसीफ उस लड़की को लेके चला गया। जब उस लड़की ने कहा कि मुझे यहाँ पे रोको, मुझे घर जाना है, तो लड़का माना नहीं, उसने नहीं सुना। जब ये बात उसके घर वालों को पता चला, उसके घर वाले ने एफआईआर दर्ज किया। आप लोग समझ सकते हो, तौसीफ एक कांग्रेस विधायक के फैमिली से बिलोंग करता है। उसके अंकल, उसके चाचा कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसके डर से उस लड़की के घर वाले उसके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि डेफिनेटली उसको धमकाया गया होगा, अगर तुम ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ाओगी, अगर इसके बारे में ज्यादा बोलोगी, तो हम तुम लोग को बदनाम कर देंगे। डेफिनेटली आप समझ सकते हो दोस्तों, हिंदुस्तान में एक आम आदमी को रहना कितना मुश्किल है, वो भी लड़की वाले। देखिए, हम ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जहां पे लड़कियों को हमेशा डर के रहना होता है, लड़कियों को हमेशा दब के रहना होता है। ये सदियों से चलते आ रहा है दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब मात्र नारा है। मैं यहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूं इस चीज को लेके, बट कहीं ना कहीं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कमजोर है। जिस वक्त उस लड़के ने निकिता के ऊपर गोली चलाया, उस वक्त उसने मात्र उसके ऊपर गोली नहीं चलाया था, हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर का धज्जिया उड़ाया था उसने। दोस्तों, ये हादसा उसके साथ 2018 में हो चुकी थी, तो हमारे देश में ये जो पुलिस वाले हैं वो क्या कर रहे थे। मैं तो कहता हूं दोस्तों, ये सेटलमेंट वाली चीज है ना, होनी नहीं चाहिए, पर क्या करें, फोर्सफुली उन्हें करना पड़ा। उनके घर वालों का हालत देखो दोस्तों, वो रो रो के परेशान हो गए। मुझे पता है ये भी ऐसा होने वाला है। उनको अरेस्ट किया गया, कल के दिन में ये बोल के उन लोग को छोड़ दिया जाएगा, वो तो नाबालिग है।
अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो आप समझ जाओ देश में कोई भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जब अभी अभी इस माहौल में काफी सारे लोग गुस्से में हैं, दो चार दिन बाद सब लोग ठंडे हो जाएंगे, फिर से नया रेप केस, फिर से नया मर्डर केस, फिर से नया डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो होते रहेंगे। हमारे देश के, हमारे उस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी क्या कर रहे हैं आप? मैंने दोस्तों इस विषय पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने देखा हरियाणा में ऐसे केस बहुत सारे होते हैं, लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, उसके साथ जबरन शादी करने की कोशिश करना, रेप करना, और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई भी अलग जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग शादी करते हैं या इस चीज को घर वाले अगर मंजूरी नहीं देते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार देना, ये बहुत देखा है। दोस्तों कब तक चुप बैठेंगे हम लोग? मैंने इससे पहले भी एक ऐसा ही वीडियो बनाया था हाथरस के ऊपर। किसी भी राज्य में लड़की सुरक्षित नहीं है दोस्तों, जब तक देश में इन लोग के खिलाफ सख्त कानून नहीं बनेगी तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है, ये चुपने बैठेंगे, ये लग करते रहेंगे, ये सारे फिरे लोग करते रहेंगे, इनको डर नहीं, इनको पता है, इनको पता है कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों हमें समझने की जरूरत है, हम किस समाज से गुजर रहे हैं, हम अपने बच्चों को किस समाज में कैसी परवरिश दे रहे हैं हम लोग। दोस्तों हमें तय करनी होगी ऐसे सरफिरों के साथ क्या करनी चाहिए, क्या उन्हें छोड़ देनी चाहिए या उनके खिलाफ सख्त कानून बना के उन्हें सजा देनी चाहिए, वरना ये लोग ऐसे और हाथरस कांड, ऐसे और हरियाणा कांड, ऐसे और दिल्ली कांड करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक ये मैसेज जाए, लोगों को पता चले कि उसके साथ क्या हुआ था। थैंक यू सो मच।